हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में। ये कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, ठीक है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी शुड स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी मेडिकल की जानकारी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगी। फ्रेंड्स, वाकई में अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में कंजक्टिवाइटिस या जिसको आप आई फ्लू कह सकते हैं अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों में ये कंप्लेन आ रहा है कि कंजक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए अब आज इसी के बारे में लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंजक्टिवाइटिस टर्म होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे आंखों के अंदर एक कंजक्टिवा पार्ट होता है, आंखों के अंदर कंजक्टिवा पार्ट होता है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। मतलब सिंपली समझिए कि इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवा ऑफ आई इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। कि हमारा जो आंख होता है उसके अंदर एक कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा क्या होता है, एक जगह है आपके अंदर, ठीक है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसी को भी हाल फिलहाल में आई फ्लू के नाम से जाना जाता है, आई फ्लू के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म्स आपको समझ में आ गया कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके कॉजेज के बारे में कि आखिर इसके कॉजेज क्या होते हैं, किस कारण से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर वन कॉजेज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन, वायरल या फंगल इन्फेक्शन, के कारण भी हो सकता है। तीसरा है इसमें हॉट एंड कोल्ड वेदर, कि अगर अभी जो मौसम चल रहा है, ठीक है, वो ठंडा गर्म का मौसम चल रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है, बरसात के कारण भी हो सकता है। और नंबर जो फोर रीजन है, जो सबसे लास्ट रीजन है, वो है एलर्जी सिम्टम्स। कि एलर्जी के कारण भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है, या टॉन्सिलाइटिस से सफर करा तो उस परिस्थिति में भी कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कॉजेज अभी आपको समझ में आए किस किस कारण से होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हॉट एंड कोल्ड वेदर के कारण हो सकता है, बारिश के कारण हो सकता है, और सबसे लास्ट मैंने क्या बताया, ये एक एलर्जी के कारण भी हो सकता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो उसके कारण भी हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस के कारण भी हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि आखिर इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कंजक्टिवाइटिस है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है रेडनेस इन आई, कि इसका आंखों का क्या हो जाना, लाल हो जाना, फिर कहते हैं वाटरी आइज, आपके आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर कहते हैं पेन, आपको आंख में क्या दर्द होगा, दर्द होगा। फिर तो पुरुलेंट डिस्चार्ज, वहां से पीप युक्त स्राव होने शुरू हो जाते हैं, पुरुलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको कहते हैं आंख बह रहा है, ठीक है, तो उस तरह से उसमें से गंदगी डिस्चार्ज होता है, पुरुलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो ये चार इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंजक्टिवाइटिस है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइन एंड सिम्टम्स भी आपको बढ़िया से समझ में आए। और कभी कभी इरिटेशन भी होगा, वहाँ पे नोचेगा भी, क्या होगा, कभी कभी नोचना भी चालू हो जाएगा, इचिंग भी होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करें जैसे ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, आप इसे घर पर परफॉर्म ना करें, बिना डॉक्टर से मिले उस ड्रॉप को आप ना लें। तो फ्रेंड्स, अभी जो कंजक्टिवाइटिस जो वायरल चला हुआ है उसमें जनरल सिप्लॉक्स उतना काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं एक उसमें स्ट्राइडल मेडिसिन और थॉर्मिक प्रोडक्ट में स्ट्राइडल मेडिसिन चाहिए उसमें। तो सबसे पहले आप आई ड्रॉप लेना है, आई ड्रॉप आपको सिप्लॉक्स डी लीजिए। सिप्लॉक्स डी में क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सोमेथासोन है। डेक्सोमेथासोन क्या है, एक तरह का स्ट्राइडल मेडिसिन, ये बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। अगर आप बड़े हैं तो दो बूंद सुबह शाम आप डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप छोटे हैं 10 साल की उम्र है तो एक बूंद सुबह शाम आप डाल सकते हैं, ऐसा करके डाल सकते हैं। या तो सिप्लॉक्स डी नहीं ले सकते तो आप मॉक्सी डी भी लीजिए, मॉक्सी डी भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है यहाँ पे, मॉक्सी फ्लॉक्सासिन साथ में है डेक्सोमेथासोन, तो ये मॉक्सी डी भी आप ले सकते हैं, उसको भी दो बूंद सुबह शाम, और बच्चे हैं तो एक बूंद सुबह शाम उसको डाला जा सकता है। फिर इसके अलावा जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एंटीबायोटिक चलेगा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अगर सर्दी खांसी जुकाम के कारण हुआ है
तब वहां पे आप एजिथ्रल टैबलेट 500 ले लीजिए। एजिथ्रल टैबलेट 500 1 × OD, एक टैबलेट आपको दोपहर में लेना है। फिर जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक चलेगा तो हो सके हाइपर एसिडिटी का कारण बन सकता है, तो वहां पे फिर आपको हाइपर एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए आपको लेना है टैबलेट साइरा डी 1 × ODES, गैस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, गैस फॉर्मेशन ज्यादा ना हो, तो वहां पे साइरा डी टैबलेट आप ले सकते हैं, एक गुल लेना है लेकिन खाली पेट लेना है। फिर जाहिर सी बात है कि अगर आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कोई ना कोई एनाल्जेसिक या पेन किलर आपको चाहिए, तो वहां पे आप जीरोडॉल एसपी ले सकते हैं। क्या लगता है? जीरोडॉल एसपी ले सकते हैं, सिक्लो प्लस ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ कि अगर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है तो कोई हेल्थ सप्लीमेंट, ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट ले लीजिए, मल्टीविटामिन ले लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके ट्रीटमेंट भी आपको बढ़िया से समझ में क्या दिया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अब शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।